रीवा के कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में एसपी कलेक्टर सहित 438 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें से 327 पुरुष 111 महिला रही शामिल। मेले सा नजारा था रक्तदान शिविर का। कलेक्टर एसपी की एक आवाज पर 438 लोगों ने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पहुंचकर ब्लड डोनेशन किया, जिसमें 111 महिलाएं 327 पुरुष थे। रीवा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम बड़े अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ रक्तदान शिविर में भाग लिया, नहीं बल्कि रक्तदान करके एक ऐसी मिसाल पेश की जो रीवा में हमेशा लोगों को याद दिलाती रहेगी। रक्तदान करके हम 3 जिंदगी बचा सकते हैं, यह कहकर प्रेरित किया कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी ने। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 438 लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर की सबसे खास बात 111 महिलाओं द्वारा रक्तदान करना। पुलिस कप्तान की पत्नी शुभांगी भसीन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पत्नी राधिका वानखेड़े महिलाओं को उत्साहित करती नजर आईं। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए रक्तदान महादान के स्लोगन के साथ आज सुबह से ही रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मेला सा लग गया। हर व्यक्ति कतार में खड़ा होकर अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था। इस तरीके का नजारा अमूमन इस तरीके के कामों के लिए देखने में नजर नहीं आता, खास तौर से ब्लड डोनेशन जैसे कामों में। 438 लोगों ने रक्तदान करके रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रक्त की कमी से होने वाली मौतों को रोकने का काम किया है। शिविर में विद्यार्थी और महिलाओं की भागीदारी को देखकर कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प काफी प्रसन्न नजर आए। वहीं पुलिस कप्तान ने कहा, रक्तदान हर स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा नहीं। रीवा में खून की कमी को देखते हुए जिस तरीके से बृहद पैमाने पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, उसमें तमाम लोगों की भागीदारी यह बताने के लिए पर्याप्त थी, हम अच्छे कामों के लिए एक छत के नीचे आसानी से आ सकते हैं। एक शानदार शिविर जो सबके सहयोग से सफल रहा। सुबह 9:30 बजे से ही रक्तदान करने के लिए लोग रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एकत्र होने लगे थे। रीवा कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम विभाग के आला अधिकारी अपनी टीम के साथ मौजूद थे रक्तदान के लिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही लोगों को खून देने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग का अमला सतर्क हो गया। उसने पूरी चुस्ती फुर्ती में ब्लड को एकत्र किया, उसको सुरक्षित किया और पहुंचा दिया संजय गांधी स्थित ब्लड बैंक में। रक्तदान महादान के स्लोगन के साथ एक शानदार शिविर का समापन हुआ। माना जा सकता है इस शिविर में 111 महिलाओं के साथ 327 पुरुषों ने भी जिस तरीके से बढ़ चढ़कर ब्लड दिया, उसके बाद माना जा सकता है रीवा में यह सिलसिला थमेगा नहीं। रक्तदान करके किसी के जीवन को जीवन दान देने का काम करने के लिए एक आवाज में रीवा शहर के लोग जिस तरीके से एकत्र हुए, उसको देखकर यह ब्लड कैंप लगाने वाले आला अधिकारी काफी प्रसन्न नजर आए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आज लोगों ने अपने जोश का परिचय दिया है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है, इसके कारण हम लोग इस सफल आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। गत वर्ष 1 अक्टूबर को 525 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, आज हमारा टारगेट है कि इसको हम और अधिक संख्या तक ले जाएं। और आपसे भी अपील करते हैं, मीडिया के माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो लोग यहाँ पर और आना चाहें, शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कृपया करके आके ब्लड डोनेशन करके समाज के प्रति अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ज्यादा संख्या में जनसामान्य लगे हैं और रीवा के सभी सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संगठन, सभी लोग लगे हैं। ये रीवा का रक्तदान शिविर है। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वेट कर लें 10 मिनट का, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। डोनेट करने के बाद आप सामने बैठ जाएं प्लीज। सामाजिक संस्थाओं ने, शैक्षणिक संस्थाओं ने, यहाँ के एनजीओ ने, मीडिया ने, सभी ने बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार किया है और जो जागरूकता का अभियान था वो चलाया है, उसका परिणाम आपके सामने है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि न केवल आज का शिविर बल्कि आने वाले महीनों में जो और शिविर लगाए जाएंगे।